हेलो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं उन कार्स के बारे में जो कि 2021 के एंड तक इंडिया में लॉन्च होने वाली हैं। आज हम 8 टॉप कार्स की डिटेल रिव्यू करेंगे जो कि आपको साल के एंड तक देखने को मिलेंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए एंड गाड़ियों से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं 8 नंबर की, तो वहाँ पर है मारुति विटारा ब्रेजा फेसलिफ्ट। बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट में मारुति विटारा ब्रेजा फेसलिफ्ट का लॉन्च होने वाला है। वैसे तो इसकी सेल्स काफ़ी अच्छी रहती है इंडियन मार्केट में, लेकिन ये कंपटीशन में थोड़ी सी पीछे साबित होती है क्योंकि जो इसके कंपटीटर एसयूवी हैं उनके अकॉर्डिंग ब्रेजा में काफ़ी कम फीचर ऑफर किए जाते हैं। इसलिए मारुति ब्रेजा को काफ़ी फीचर्स चेंजेस के साथ एंड एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ इंडिया में लॉन्च करने वाली है। प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइसिंग 8 लाख से स्टार्ट होने वाली है। 7 नंबर पर है जीप कंपास 7 सीटर। जीप कंपास का 7 सीटर भी इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। हाल ही में इसे टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। कन्फर्म भी किया गया है कि ये कार बहुत ही जल्द इंडियन मार्केट में आने वाली है। इसे कंपनी जीप मेरिडियन के नाम से लॉन्च करने वाली है जिसका अप्रोक्स प्राइस 35 लाख रहने वाला है। जीप का ये पहला 7 सीटर प्रोडक्ट होने वाला है जो कि इतने कम प्राइस में आपको काफी अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करेगा। बात करें चेंजेस की तो फ्रंट में आपको न्यू ग्रिल देखने को मिलेगी, साथ में ही इसमें आपको 5 स्पोक डायमंड फिनिश अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे जो कि आपको जीप कंपास से मिलते जुलते दिखाई देंगे। ये जल्दी भारत में लॉन्च होने वाली है एंड दोस्तों ये गाड़ी महिंद्रा की XUV 700 MG की हेक्टर प्लस एंड टाटा सफारी को कम्पीट करने जा रही है। ये गाड़ी देखने में भी काफी चौड़ी और बड़ी लग रही है। टक्कर तो ये जरूर ही देने वाली है अपने सेगमेंट की कार्स को। बात करते हैं 6 नंबर की, तो यहाँ पर है मारुति 800 फेसलिफ्ट। तो दोस्तों काफी जल्दी मारुति 800 का फेसलिफ्ट इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाला है। इस बार मारुति अपनी ऑल्टो 800 में पहले से काफी ज्यादा फीचर लॉन्च करने वाली है एंड कुछ सेफ्टी फीचर भी एड ऑन करने वाली है इस कार में। लुक की बात करें तो इसमें आपको मेजर चेंजेस दिखने वाले हैं, फिर चाहे बात फ्रंट ग्रिल की हो या रियर डिजाइन की। मारुति की ये कार अच्छे चेंजेस के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। 5 नंबर की बात करें तो यहाँ है सिट्रोन की C3 सब कॉम्पैक्ट SUV। ये कार बहुत जल्द इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है। इसकी टेस्टिंग को कई बार स्पॉट किया गया है। ये कंपनी इस सब कॉम्पैक्ट SUV को 7 लाख के प्राइस में लॉन्च करने वाली है। इस कार में आपको काफी अच्छे फीचर देखने को मिलते हैं जो कि आपको इस प्राइस में आने वाली गाड़ियों में देखने को नहीं मिलते हैं। सिट्रोन कम्फर्ट के मामले में जानी जाती है, इसीलिए C3 में भी आपको कम्फर्ट फीचर मिलने वाले हैं। 4 नंबर पर है महिंद्रा की नेक्स्ट जन स्कॉर्पियो। हाल ही में महिंद्रा ने अपने XUV 700 में काफी शानदार फीचर एड ऑन किए हैं जो कि किसी भी कंपटीटर SUV में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसी तरह महिंद्रा की जो नेक्स्ट जन स्कॉर्पियो आने वाली है उसमें भी आपको भर भर के फीचर देखने को मिलने वाले हैं। अभी की जो स्कॉर्पियो है कम फीचर होने के बाद भी इसकी डिमांड बहुत है इंडियन मार्केट में क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट 7 सीटर कार है इंडिया की। इस कार को महिंद्रा बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है। 3 नंबर की बात करें तो यहाँ पर आती है जीप की रेनेगेड। अंडर 10 लाख रुपीज की बात करें तो जीप भी अपनी न्यू कार को लॉन्च करने वाली है जो की जीप रेनेगेड पर बेस रहने वाली है। ये जीप रेनेगेड का सब कॉम्पैक्ट SUV वर्जन होने वाला है। बात करें अगर 2nd नंबर कार की तो वहाँ पर है मारुति सुजुकी जिम्नी। सुजुकी जिम्नी भी काफी मच कार है इंडियन मार्केट में जिसे लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। इसका ऑल ओवर लुक ऑफ रोडर SUV का आता है जो कि काफी अच्छा लग रहा है। भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है लेकिन कंपनी इसे भारत में सेल नहीं करती, इसको अदर कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन मारुति अपनी इस कार को भारत में बहुत जल्दी लॉन्च करने वाली है। जैसे कि आप जानते हैं महिंद्रा थार के बाद मारुति अपनी जिम्नी को एक अग्रेसिव प्राइस में लॉन्च करने वाली है, तो इसकी डिमांड भी काफी है इंडियन मार्केट में। एंड प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइसिंग 9 लाख से 10 लाख होने वाली है। बात करें 1st नंबर की तो यहाँ पर है मारुति की सिलेरियो। मारुति अपनी न्यू एंट्री लेवल हैचबैक न्यू सिलेरियो के न्यू जनरेशन को इंडिया में लॉन्च करने वाली है जिसे अभी तक TV एड शूट के दौरान स्पॉट किया गया था, जिससे ऑल ओवर इसके लुक्स एंड डिजाइन सामने आए हैं। फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको न्यू टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलते हैं, उसके साथ ही आपको न्यू डैशबोर्ड के साथ काफी नई चीजें देखने को मिलेंगी। दोस्तों वैसे तो हम सब जानते हैं कि मारुति की कार में ज्यादा सेफ्टी फीचर देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन इस बार मारुति अपनी इस कार में काफी नए सेफ्टी फीचर्स को एड ऑन। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो लेटेस्ट गाड़ी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन को ऐसे दबा दें जैसे आप अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाते हैं। एंड बहुत जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग गाइड एंड ड्राइव सेफ।